हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों मोटोरोला का एक और नया फोन आने वाला है, मोटो H40 न्यू। इससे पहले सितंबर में तो मोटोरोला ने दो और नए फोन लॉन्च किए थे, मोटो G54 जो कि अराउंड 50,000 रुपीज का फोन था आफ्टर ऑफर, और दोस्तों मोटो G84 जो कि अराउंड 20,000 रुपीज का फोन था। दोस्तों जो मोटो H40 न्यू है वो अराउंड 25,000 रुपीज का आने वाला है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो बैक साइड आपको पीपीएम मेटल के साथ देखने को मिल जाएगा, और मोटोरोला के जो अदर फोन है उसी टाइप का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। ओनली टू कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों टू कैमरे में ही आपको मल्टीपल फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले का दोस्तों इसमें आपको 6.55 इंच का एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों डिस्प्ले हमारा कॉम्पैक्ट साइज का भी है, आपको डे टू यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और डिस्प्ले कर्व भी है जो कि अगर आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले। इसमें आपको 144 हर्ट्ज का फास्टर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 12 मिनट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी दोस्तों, अगर आप डे टू डे यूज करोगे तो लाइट भी आपको कम नहीं होगी। भाई दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, और HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। भाई दोस्तों इसमें आपको मल्टीमीडिया के मामले में स्टोरेज स्पीकर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में दोस्तों इसमें देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1050 का प्रोसेसर है। आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक चीज निकाल दे देगा दोस्तों। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, आप लगातार कई ऐप चलाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हो तो स्पेशली एक गेमिंग फोन नहीं, इसमें आपको 40 FPS पे काफी ज्यादा डिसेंट सेटिंग के साथ गेमिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों अगर आप डे टू डे चलाओगे तो आपको इतना बढ़िया परफॉर्मेंस गेमिंग के मामले में निकाल के देगा। ओवरऑल दोस्तों मल्टीटास्किंग के मामले में फोन बढ़िया है, लेकिन गेमिंग के लिए फोन नहीं स्पेशल, तो इसमें आपको गेमिंग की इतनी बढ़िया सेटिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। बात करें कैमरे की, तो कैमरे का दोस्तों इसमें आपको प्राइमरी कैमरा 50 MP का एक OIS कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको मल्टीपल फंक्शन देखने को मिल जाएगा, मैक्रो कैमरे और डेप्थ कैमरे का भी। इसके बाद आपको 13 MP का एक अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों फोटोज आपको अच्छे निकाल के दे देगा, आपको लगभग एक्यूरेट कलर देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि फोटोज के कलर होंगे, और दोस्तों डे लाइट में भी नाइट लाइट में भी फोटोज आपको ठीक ठाक से देखने को मिल जाएंगे। बात करें वीडियो की, तो वीडियो का दोस्तों कहा जा रहा है कि 4K 30 FPS तक की वीडियो शूट कर सकता है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसमें सेल्फी, तो सेल्फी क्या होना दोस्तों, इसमें आपको 32 MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी, जो कि फोटोज अच्छे निकाल के देगी। और अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 1080p 30 FPS तक की सेल्फी, आपको जो सेल्फी कैमरा है वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉइड 13 के साथ फोन लॉन्च हुआ है। इसके बाद दोस्तों ओनली 1 ईयर का आपको मेजर अपडेट और 3 ईयर के सिक्योरिटी पेच अपडेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों मोटोरोला फोन में हमें अपडेट्स के वैसे ही प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, और अपडेट आपको थोड़ा बहुत लेट देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये होती है कि मोटोरोला फोन हमें क्लीन यूआई के साथ देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। माई यूआई के साथ लॉन्च होगा, जो कि मोटोरोला का अपना यूआई है, ओवर दोस्तों आपको परफॉर्मेंस ठीक साइड से निकाल के देगा। अपडेट थोड़े ज्यादा होते हैं दोस्तों और अच्छी बात होती है, मोटोरोला को अपने अपडेट्स को सुधारना चाहिए, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। जब भी मोटो को वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मोटोरोला का यही शिकायत होती है कि मोटो जो अपडेट्स हैं वो कम है। मैं दोस्तों अगर बात करें बैटरी की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और इसके बाद दोस्तों आपको 68 W का चार्ज देखने को मिल जाएगा, और अच्छी बात यह है कि आपको इनबॉक्स चार्ज देखने को मिल जाएगा। नहीं दोस्तों इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि अगर आप डे टू डे यूज़ करते हो, आपका फोन कहीं पानी में गिर जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ओवरऑल फोन बढ़िया है, आपके हिसाब से फोन 25,000 रुपीज़ के हिसाब से वर्थ इट है नहीं है, कमेंट करके जो बताना। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।